तो जय हिंद मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हो आप सभी लोग प्यारे बच्चों। उम्मीद है बढ़िया होगी, आपकी पढ़ाई वगैरह भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज ये छोटी सी वीडियो पर्पस से बनाई है। आपने देखा होगा आजकल एक मुद्दा बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, विकास दुबे गिरती सर वाला। बच्चों पता है क्या, देखो जैसे मैं मतलब इस चीज को एक एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ता हूँ। जैसे हम एनडीए की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें एक चीज होती है पता है क्या, पेशेंस नाम की। तो वो चीज मैं समझता हूँ कि वो सबकी लाइफ में आना चाहिए, वो एनडीए का ही प्रोटोकॉल ना होकर वो हर एक इंसान का प्रोटोकॉल होना चाहिए। मतलब क्या है मेरा कहने का, समझना बच्चों। सहनशीलता और चीजों को समझकर बोलना और उस पर कमेंट करना और इन चीजों के बारे में एनालाइज करना, ये मेरा मतलब मानना है अपना बच्चों। मेरा क्या मानना है, आप एक चीज समझिए। आप देखो वो एक वीडियो इस समय विकास सर की बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिस पर बॉयकॉट वाला भी वो चला दिया, ट्रेंड चला, मतलब नंबर वन पे वो ट्रेंड कर रही है बॉयकॉट वाला। बॉयकॉट आपका दृष्टि आईएएस करके आपने देखा होगा, उसमें कि वो सीता माता कुत्ते के उसमें चाटने वाला कुछ ऐसे रिलेटेड आपने देखा होगा वो। बच्चों पहली बात तो ये जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, ये मतलब मेरी समझ ही नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या है। पता, कोई आदमी अगर देश के लिए कुछ अच्छा करता है, आप समझते विकास सर आइडियल है हम लोगों के, मतलब भले से मैं उनसे पढ़ा ना हूं बट मेरे लिए वो आदर्श है। मैं आज भी उनकी वीडियोस देखता हूँ, हम खुद मेरा सेगमेंट अलग, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, विकास सर का उससे कोई लेन देन है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए बहुत आदर्श है, बहुत बड़ी चीज है। हम तो कहीं स्टैंड अप करते ही नहीं उनके सामने चीजों में, जब हम उनसे सीखते हैं तो सोचने वाली बात है कि यार हमारे लिए वो आदर्श है, तो जब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा तो एक वीडियो बनाना तो बनता ही है इस पे। तो बच्चों बात पता है क्या है, मैं बस एक बात कह रहा था छोटी सी, जो मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए था मैं उस पर बोला। यार पहली बात तो ये जो लोग ये काम करते हैं ना बॉयकॉट वाला और ये सारे काम और क्लिप उड़ा दी और बैन दृष्टि आई है, पहली बात तो ये चीजें होती नहीं, इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात, जो लोग उनको देख के कमेंट कर रहे हैं, मुझे तो उस वीडियो बनाने वाले से ज्यादा मतलब अजीब वो लोग लगते हैं जो उस पर कमेंट कर रहे हैं। क्या आपने पूरी वीडियो देखी, क्या आपने क्लिप देखा, आपने सीधा उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। आपको पता है वो एक बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है यार, उन्होंने कितने आप समझ रहे प्रशासनिक अधिकारी मार्केट में कि उस समाज को दिए हैं, अच्छे इंसान बनाए हैं उन्होंने। तो हमें सोचना तो चाहिए यार, 2 मिनट बोलने से पहले कुछ भी उठाया और बोलना शुरू कर दिया, गलत है ना यार। तो प्यारे बच्चों पहली बात तो उस वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं, दूसरी बात उस वीडियो का चूंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है इसलिए मैं उसको दिखा नहीं रहा, थोड़ा सा रहता है। अदरवाइज उस वीडियो को मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे चैनल्स ने भी अलग अलग उस वीडियो को पूरा डाला हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा था एक करेक्टर ने ऐसा बोला था, पॉइंट ये था उसमें, ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं था बच्चों उसमें कि ये विकास दिव्य कीर्ति सर के पॉइंट थे, बिल्कुल भी नहीं। तो प्यारे बच्चों ऐसी अफवाहों से बचो, और दूसरी बात किसी भी काम को करने से पहले हमें थोड़ा सा एक सोचना समझना पेशेंस और एनालिसिस बहुत जरूरी है, और ये एनडीए के लिए भी जरूरत है। प्यारे बच्चों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक लेटा डा, बाय बाय, जय हिंद।